दोस्तों, क्या आपको पता है क्रोम ब्राउजर में जो इनकोग्निटो मोड होता है उसको बहुत सारे लोग अपने अपने यूजर्स के हिसाब से प्रयोग करते हैं और वहां पे बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें भी सर्च करते रहते हैं और उनको लगता है कि जो चीज हमने सर्च की है उसकी सर्च हिस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है क्रोम के अंदर। लेकिन 99.9% लोगों को नहीं पता है कि इसकी जो हिस्ट्री होती है वो डिलीट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अगर नहीं पता है कि ये कैसे डिलीट करना होता है, कैसे डिलीट होती है, तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहो। आज के इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं कि आप एंड्रॉइड और आईओएस के अंदर से अपने जो आपका क्रोम का इनकॉग्निटो मोड होता है उसकी हिस्ट्री किस तरह से डिलीट कर सकते हो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लोग क्रोम ब्राउजर का ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो वेबसाइट दिख रही है ना, इसको आपको अपने गूगल क्रोम के सर्च बार में टैप कर देना है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, क्लियर होस्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये आपका डिलीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बता देते हैं कि अगर आप एक आईफोन यूजर है और आप अपने आईफोन के अंदर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो आईफोन में डिलीट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्लाइट मोड आपको लगा देना है, बस आपका डिलीट हो जाएगा। क्योंकि आईफोन तो आईफोन है भाई, सबसे स्मार्ट तरीके से चलता है। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पहले पता थी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ गया लाइक जरूर कर दे।